है तौकत अली है। अगेन ये भी एक प्रोडक्ट ऐसा है जो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए बहुत लाभदायक है। भारत में अभी जो रिसेंट एक सर्वे हुआ था, भारत जो है वो अभी 13वें नंबर पे आ चुका है डाइवोर्स के मामले में। ये आपको मालूम है डाइवोर्स जो रेट है ना, तलाक की जो रेट है, भारत अभी जो है पूरी वर्ल्ड में 13th नंबर पे आ रहा है। तो डाइवोर्स के सबसे बड़े कारण क्या क्या है जब पता करने की कोशिश की उन्होंने, तो आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि अरे फैमिली अच्छी नहीं थी, अरे वो दहेज का प्रॉब्लम था, अरे वो लड़की को खाना बनाना नहीं आता था, अरे वो लड़का जो था वो तो उसके पास नौकरी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। लेकिन जब एक्चुअल उसके अंदर वो तह तक गए तो मैक्सिमम केसेस में ये पता चला कि या तो लड़का या तो लड़की सेक्सुअली इनएक्टिव थे, इनफर्टाइल थे, इम्पोटेंट थे, और क्योंकि वो लोग सेक्सुअली ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से महीने भर में, डेढ़ महीने में, दो महीने में, तीन महीने में तलाक लेना पड़ा। मेजर कारण जो है तलाक के आज के जमाने में, आज के डेट के अंदर, इज सेक्सुअल वीकनेस। अभी सेक्सुअल वीकनेस आती क्यों है, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ये सब्जेक्ट थोड़े से ऐसे लगते हैं कि यार ये क्या, ये सब ये क्या जरूरी है। आपको क्या लगता है ये सब्जेक्ट जरूरी है? जरूरी yes. कितने लोगों को लगता है? चलो ठीक है, थैंक यू, हाथ उठाया आप लोगों ने। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे संस्कार के विरुद्ध है, ये तो ओपन प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात कर रहे हैं, हम संस्कारी लोग हैं, हम लोग पवित्र लोग हैं, ये है वो है, दुनिया भर की मुझे बात बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई से अवगत करा दूं कि बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के है ना आप यहां मौजूद होते ना मैं मौजूद होता, ठीक बात है। हम लोग इंसान है, हम लोग इंसान है, और इंसान जो है उसका बेसिक मूल रूप जो भगवान ने तैयार किया है, ईश्वर ने, अल्लाह ने तैयार किया है, वो है ग्रोथ, ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। हम लोग मल्टीप्लाई ही करेंगे, हम लोग बढ़ते ही रहेंगे, ठीक बात है, हमारी आबादी बढ़नी चाहिए। अब और एक चीज बता दूं, सब ठीक है, सब बात सही है, अच्छी बात है, ये सब तो ग्रोथ होती है, मल्टीप्लिकेशन है, रिप्रोडक्शन है, हम लोग इंसान है, सही बात है हम लोग, बट नहीं, भारत में ये नहीं चलता है, भारत में तो ऐसा सब रहता है। आपको मैं बता दूं, इंडिया नंबर 3 पे आता है पोर्न साइट देखने में। पोर्न साइट समझ में आता है? पोर्न साइट जो एडल्ट फिल्म्स होती ना उसको इंटरनेट पे छुप छुप के देखने के अंदर भारत जो है नंबर 3 पे है। और हमारे सेक्स के प्रति जो हमारे बहुत ही कंट्रोल्ड विचार हमारे पॉपुलेशन से भी दिखते हैं। भारत अभी नंबर 2 पे है। तो नहीं जी नहीं, हम बहुत संस्कारी है, नहीं जी सेक्स की बात मत करो, ये नहीं होने, मां भका भक लाइन लगी हुई है बच्चों का, पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है। तो प्लीज डोंट बी अ हिपोक्रेट। हमारे वहां रेप, हमारे वहां महिलाओं पे अत्याचार, ये सारी चीजें बढ़ने का कारण एक ही है, क्योंकि हम लोग हमारे सोसाइटी में इसका प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे रहे, दैट इज द मेन रीजन। एनीवेज हम लोग वो जो सोसाइटी और मॉरल पॉलिसी में नहीं जाएंगे, हमारा जो काम है वो मैं आपको बताऊं कि ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसी के जीवन में खुशियों का उजाला लेके आ सकता है, किसी के अंधकार जीवन में जो मां बाप नहीं बन पा रहे हैं उसके जीवन में एक बच्चे के रूप में, छोटे बच्चे शिशु के रूप में एक फिर से एक नई उमंग जगा सकता है, ये ऐसा प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्योंकि वेलनेस कोच है, हम लोग वेलनेस कंसल्टेंट है, इस वजह से हमें ये प्रोडक्ट की जानकारी भी होनी चाहिए। तौकत अली, तौकत अली जैसे नाम लिखा है, रीइग्नाइट योर पैशन, बूस्ट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन है जो आमतौर पे मेल्स में पाया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए,
स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के जमाने में बहुत सारे लोग जो वर्किंग होते हैं या नॉन वर्किंग भी, मेल हो या फीमेल हो, सभी को स्ट्रेस में रहते हैं। सभी लोगों को स्ट्रेस है, यस और नो? और स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा कारण है सेक्सुअल वीकनेस के लिए, राइट? दूसरा कारण है डायबिटीज। अगर किसी को शुगर की तकलीफ है तो उनको भी सेक्सुअल वीकनेस आ जाएगी। तो तोंगत अली जो है ये स्टेमिना और सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाता है। ये एक प्रकार का रूट है, मतलब ये प्लांट ही होता है। ये आपको ज्यादातर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड ये जगहों पे पाया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि जैसे भारत में तुलसी को कुछ धर्मों में पूजनीय माना जाता है, वैसे ही तोंगत अली को वहां पे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जगह वो वहां पे इसको वो लोग पूजते हैं लिटरली, ठीक है? इतना ज्यादा इसके अंदर मेडिकल क्वालिटीज है, मेडिसिनल क्वालिटीज है। तोंगत अली जो है इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है यूरिकोमा लॉन्गीफोलिया। याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, खाली मैं आपको बता रहा हूं। अब बेसिकली इसकी खासियत खाली सेक्सुअल इसके अंदर नहीं है, ये इंसान को जवान रखने के लिए, मतलब एक जवान के अंदर जितनी ताकत होती है, जितनी स्फूर्ति होती है, उसको बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो ISSN नामक एक संस्था है जो यूएस में है, इसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। एक बहुत ही बड़ी संस्था है जो जितने भी ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं, जो भी बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, जो 200 मीटर की, 500 मीटर की, 1000 मीटर की जो रेस में दौड़ते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जैवलिन थ्रो, जो जितने भी एथलीट्स होते हैं, बॉक्सिंग वगैरह करते हैं, वो सारे जितने भी एथलीट्स की जो न्यूट्रिशन और उनकी हेल्थ की देखरेख करने की जो संस्था जो होती है वो है ISSN, वो यूएसए में स्थित है। उनके हिसाब से तोंगत अली एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, क्योंकि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन है, मांसपेशियों को ताकत देती है, जो जोड़ होते हैं ना, जॉइंट्स होती है, उसकी ताकत को बढ़ाती है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। साथ ही साथ तोंगत अली दिमाग मतलब अपना जो ब्रेन है उसकी भी जो प्रक्रिया, मतलब उसकी थिंकिंग पावर या उसकी जो कार्य शक्ति है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक IQ लेवल है, उसको भी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा लाभ देती है। अगला जो है, जैसे मैंने बताया कि सेक्सुअल चीजों में तो आती है, उसके अंदर आपको मैं बता दूं, पहली बात तो लिबिडो बढ़ाने के लिए, कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए, वो दोनों में काम में आएगी, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। कई बार मेल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, कई बार फीमेल्स को डिजायर नहीं होती है, बहुत काम करके थक गए हैं, अगर वर्किंग वुमन है, ऑफिस में जा रही है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उनको भी ये लाभ देगा। साथ ही साथ जो मेल्स होते हैं, पुरुष में स्पर्म की काउंट या वीर्य की जो काउंट होती है वो अगर कम हो चुकी है, या स्पर्म या वीर्य की जो मोटिलिटी होती है वो अगर कम हो गया, क्योंकि वीर्य जो है वो आगे बढ़ता है और तभी वो ओवरी में जाके मिलके फिर वहां पे वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो अगर वीर्य की मोटिलिटी कम है, वीर्य का अगर जो मॉर्फोलॉजी कहते हैं, जो शेप होता है, हेड बॉडी टेल, अगर उसमें कोई दिक्कत है उसमें भी आपको ये लाभ देगा। साथ ही साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत मेजर प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन जिसे कहते हैं, या सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर टाइटनेस नहीं है, उसमें भी ये लाभ देगा। ये सारे प्रॉब्लम्स उनको होता है जो बहुत ज्यादा ओबीज भी होते हैं, मोटे होते हैं, और जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, पुरुषों की बात कर रहा हूं। लेडीज के अगर अंदर आ गए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, घर में बहुत ज्यादा हस्बैंड या इन लॉज या कोई भी प्रकार की टेंशन चल रही है, बहुत ज्यादा मारकूट हो रही है, बहुत ज्यादा उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उस वजह से वो सेक्सुअल ये चले गया है, तो ऐसे लेडीज को भी आप ये दे सकते हैं। साथ ही साथ हाइपोगोनाडिज्म, ये प्रकार की प्रॉब्लम है जिसमें सिंगल ये होता है, जैसे अभी एक सिंगल टेस्टिस है जो अंडकोश होता है,
मेल्स का वो सिंगल होता है, आमतौर पे दो होते हैं, अगर सिंगल है तो उसके वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, मतलब बाल ज्यादा आ जाना या ब्रेस्ट जो स्तन आ जाना, बहुत सारे मेल्स को जो है स्तन आ जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उनका, तो ऐसे केसेस में भी आप ये इसको प्रोडक्ट को दे सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है फीवर्स को ठीक करने के लिए, कई बार अननोन फीवर आ जाता है, मलेरिया भी नहीं है, टाइफॉइड टेस्ट कराया उसमें टाइफॉइड भी नहीं है, वायरल फीवर भी नहीं है, पता नहीं किस प्रकार का फीवर है लेकिन फीवर आ रहा है, हाई फीवर आ रहा है, तो आप ऐसे केसेस में पोंगत अली आप उनको दीजिए, आधी टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं तुलसी के साथ में या गौमूत्र के साथ में, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, फीवर जो है टोटल कंट्रोल में आ जाएगा। अगला पोंगत अली बहुत अच्छा काम करता है वो है मोटापे में, मोटापे में बहुत अच्छा लाभ देगा ये महिलाओं को, और आप पुरुषों को भी दे सकते हैं, बहुत सारे जिम चले गए, बहुत एक्सरसाइज कर ली, योगा कर ली, लेकिन मोटापा नहीं कम हो रहा, ऐसे केस में आप पोंगत अली उनको ट्राई कीजिए, मेटाबॉलिज्म जो होता है चयापचय क्रिया जिसे कहते हैं उसको ये बैलेंस कर देगा और मोटापा भी जो है कम होना शुरू हो जाएगा। अगला है स्ट्रेस रिलीवर, बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस होती है, डिप्रेशन टाइप का होता है, एंग्जाइटी घबराहट होती है, हस्बैंड 7 बजे रोज आते हैं ऑफिस से लेकिन किसी दिन 7:30 या 7:45 बजे तो पत्नी को एकदम घबराहट चालू होती है, पता नहीं क्या हो गया होगा, कहां चले गए होंगे, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये हुआ, पुरुषों में बहुत सारी बार एंग्जाइटी होती है कि मान लो कहीं पे जाना है, दशहरे की छुट्टी आ रही है और ट्रेन की टिकट करवाई है 12 तारीख को, अब 12 तारीख को जाना है, 12 बजे की ट्रेन है और हस्बैंड जो है 8 बजे से परिवार को बम्बू देना चालू, चलो जी, अरे ट्रेन छूट जाएगी जी, ये एंग्जाइटी है। अब 12 बजे की ट्रेन है, तुम 8 बजे तुम निकल के वहां जाके क्या करो, तो ये एंग्जाइटी है, तो ऐसे एंग्जाइटी जिसे एंग्जाइटी न्यूरोसिस भी कहते हैं, ऐसे केसेस में भी आप पोंगत अली दे सकते हो। अगला पोंगत अली काम करता है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, वो है हार्ट प्रॉब्लम्स के अंदर या बीपी के अंदर, क्योंकि पोंगत अली जो है एक वैसो डायलेटर है, वैसो डायलेटर मतलब जो धमनियां होती है उसको खोलता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा कर देता है, तो धमनियां अगर खुल जाएगी तो जो रक्त प्रवाह है वो सही बहेगा और बीपी जो है वो कंट्रोल करने के लिए ये लाभ देगा पोंगत अली। साथ ही साथ आपको वीकनेस मुक्त करेगी, वीकनेस जो होती है कई लेडीज को जैसे महावारी होती है, महावारी के समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने अंधेरा आ जा रहा है, तो वीकनेस के लिए बहुत लाभ दे सकता है ये प्रोडक्ट। यस, तो ये खास तौर पे पोंगत अली इतना आपको लाभ देगा। अब पोंगत अली आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोग मस्ती में थोड़ा ज्यादा भी ले लेते हैं, एक बार होता ना कि भाई कुछ दोस्तों को जैसा पता चल गया किसी की शादी है, आमतौर पर शादी के समय ही अपन अपने दोस्तों के साथ में थोड़ी मौज मस्ती करते हैं ना कि बेटा चल इसको देते हैं आज टैबलेट उसको खिला दिए, ज्यादा कुछ मिला विला के, ऐसे कई बार केसेस मेरे सामने भी आए हैं, अगर मान लीजिए ऐसा किसी ने ओवरडोज ले लिया पोंगत अली का, तो आमतौर पर होता ही है कि पोंगत अली का ओवरडोज करने पे थोड़ा सा शरीर के अंदर थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना चयापचय क्रिया को बढ़ा देगा, तो जब शरीर के अंदर एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो शरीर में थोड़ा सा गर्माहट सी महसूस होगी, हल्का सा पसीना जैसा लगेगा या उसको अनइजीनेस लगेगा, अगर ऐसा हुआ है तो सिंपल चीज है, वो व्यक्ति को आप ज्यादा पानी पिलाइए, पहली बात तो ज्यादा पानी पिएगा वो जितना भी उसके शरीर के अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल है पोंगत अली का वो बाहर पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप कर सकते हो, उसको स्ट्रांग कॉफी पिला दीजिए, बिना दूध की कॉफी खूब उबालो, उसका डिकॉशन उसको दे दीजिए, वो उसको इफेक्ट को कम कर देगा। कुछ कुछ लोगों के साथ में पोंगत अली लेने के बाद में कई बार देखो इंसान क्या है ना, कुछ कुछ चीजों में बहुत लालची है, कुछ कुछ चीजों में लालची ऐसा है कि उसको लगता है कि मेरे को बहुत चाहिए और करना है और चाहिए, एक पैसा है और एक सेक्स है, जो पुरुष होता है उसको लगता है कि मेरे को साला को और रुकने का, मेरे को और करने का, मेरे को और करने का, उस चक्कर में वो बंदा बराबर है लेकिन वो कंपेयर किसी और से कर रहा है, समझ रहे हो। अब आप जब कंपेयर करते हो इंडियंस को नाइजीरियंस से,
तो इंडियंस जनरली आर वीक, मतलब उनका टाइम पीरियड कम होता है। मैं आपको डॉक्टरी चीज में बता रहा हूं कि जो हमारी टाइम पीरियड कम है, आप नॉर्मल हो, नेचुरल हो, प्रॉपर हो। अब आपने ये सोचा कि नहीं, आई वॉन्ट टू कम्पीट विद दैट गाय, कोई दूसरे से कम्पीट करना है, और आपने उठा के दो तीन टोंगा तली गटक गा, तो आपको जाहिर सी बात है थोड़े से आपको सिम्टम्स आएंगे। रेस्टलेसनेस होता कई बार, रेस्टलेसनेस मतलब बहुत ज्यादा घबराहट हो गया, आपको समझ में नहीं आ क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा आपको बेचैनी सा हो जाएगा, एकदम से एकदम ऐसा लगेगा हार्ट जो है एकदम धड़धड़ 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 मार रहा है। कई बार लोग ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर से ज्यादा पानी पीजिए, और अगर आपको कहीं पे अगर व्यवस्था है स्नान करने की, ठंडे पानी से स्नान कर सकते हो, कर लो, या कॉफी पी लीजिए, यू विल फील बेटर। ओके, ये कभी भी टोंगा तली आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, दैट इज फॉर श्योर। थोड़ा सा हल्का सा कुछ समय के लिए आपको एक सिम्टम्स हो सकते हैं जिसे प्रिलिमिनरी प्राइमरी सिम्टम्स कहते हैं, वो अगर आपने एक चीज उसे ठीक कर दिए तो ये आगे आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। टोंगा तली का डोज जो है वो है 1 tablet एवरी डे। मैं ऑलमोस्ट एवरी डे लेता हूं टोंगा तली। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है इसीलिए लेना है? नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर, आपकी जो जनरल आपकी बॉडी हेल्थ बनी रहे, तो आप रेगुलरली टोंगा तली ले सकते हैं। लेडीज भी ले सकती है जनरली, और जेंट्स भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डेली लेने से थोड़ा सा मेरे को बॉडी में गर्माहट हो रही है, तो आप ऑल्टरनेट डे भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर सेक्सुअल ओरिएंटेड इसके लिए लेना है कि भाई सेक्सुअल प्रॉब्लम है या परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो डेली नाइट हल्के गर्म दूध के साथ में आप उसमें हल्दी डाल के आप उसको ले सकते हैं, दो बार सुबह शाम ले सकते हैं, ठीक है। हेलो, क्लियर है? यस सर।